दुआ पढ़ते रहे बिंदास एकदम हिम्मत, पता है ना एकदम हिम्मत। कब आएगी बाहर हो कब नहीं आएगी, मतलब सब अलहमदुल्ला अच्छे से हो जाए, मतलब मैं रोना नहीं चाहता। नियान के घर में बेबी आया है गाइस, हमारी फैमिली में बेबी आया है गाइस। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नोक जोक भरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइस आप लोग देख रहे हो इतना अंधेरा, ये धुत अंधेरा हम लोगों ने रखे हैं, क्योंकि गाइस सुबह में जो होने वाला है उससे पहले हम लोग चाहते हैं कि हम लोग शांति से बैठ कर दो हम लोग मियां बीवी बात कर सके कि निजा के साथ सुबह में होने क्या वाला है गाइस। अभी बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं गाइस रात के 2:20 और सुबह में जो है वो डॉक्टर आने वाले हैं 8 बजे और निजा का फैसला होगा 8 बजे। तो निजा वही बोल रही है कि प्लीज मेरे बाजू में बैठो, तुम यहाँ पर प्लीज मुझे हिम्मत दो करके मेरा हाथ पकड़ के बैठो। तो मैं सोचा क्यों ना चलो इसका हाथ पकड़ के बैठते यहाँ पर थोड़ी हिम्मत देते। निजा कुछ नहीं होगा, बी ब्रेव, अल्लाह की जात है हम लोग, ठीक है, अल्लाह ने तुमको पेट में बेबी दिया है तो अल्लाह ही बेबी को बाहर निकालेंगे सेफली इंशाल्लाह। और मैंने 2 रकअत शुक्राना की बांध लिया हूँ, मान लिया हूँ मतलब नियत कर लिया हूँ कि बेबी सही सलामत हो जाएगा, तो मैं 2 रकअत शुक्राना पढ़ूंगा और हम लोग आए थे करीमा करेंगे। सबसे पहले तो गाइस बेबी के कान में अजान देना है, जो कि मैं पहली बार अजान देने वाला हूँ, तो गाइस मैं अजान प्रैक्टिस कर लेता हूँ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदुल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदुल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदुल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदुल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। सही बोला क्या? मुझे नहीं पता, एक बार नेट पे देखना पड़ेगा, मतलब मेरे को जहां तक लग रहा है मैं सही बोला इंशाल्लाह, एक बार नेट पे देख के चेक करता हूँ। तो गाइस मैं सही था, क्योंकि मैं रिचेक इसीलिए किया हूँ क्योंकि इस चीज में छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे हम पोयम पढ़ रहे हो या कुछ पढ़ो उसमें गलती हो जाए चलेगा, इंग्लिश में हिंदी में, बट गाइस ये जो दुआ है अजान है इसमें गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने कंफर्म करने के लिए फिर से सुन लिया। तो निदा तुम्हारा हस्बैंड को आता है समझे, बेफिक्र रहो मैं खुद ही कर लूंगा सब कुछ। यस कल डैडी बनने वाला हूँ निदा, कल डैडी बनने बन सकते हो, अब बन गया हूँ मतलब कल मेरे हाथ में बेबी आ जाएगा पगली, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ निदा मैं तो यार। नर्वस की क्या बात है, मैं जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ तुमको टेंशन लेने वाली क्या बात है पगली, हॉस्पिटल। हाँ तो कोई बात नहीं ना, मैं बाहर तो रहो तो क्या मजा, मैं बाहर, अरे मजा के अंदर खेलेंगे थोड़ी अपन पागल, मजा तुम तो बेहोश हो, तुमको कुछ पता भी नहीं चलेगा, लेबर वार्ड में थोड़ी ना बेहोश रहते हैं। हाँ वही जहाँ भी इंसान दर्द के मारे जूझ रहा होता है, मेरा एक ड्रीम था क्या, मैं तुमको लेबर वार्ड में इतना मारू इतना मारू दर्द हो गया ना। हाँ तुम बताए भी थे मेरे, तुम बताए भी थे मेरे को एक बार, तुम्हारा ड्रीम है जब जब तुमको पेन हो तब तक तुम मारो मेरे को। मैं भी अंदर 8-10 घंटा क्या करूंगा निदा यार पगली, ऐसे नहीं हो सकता कि मैं बाहर आऊं तुम्हें मारूं, तुम फ्रस्ट्रेशन में आ, तो अगर तो अगर तुम थके हुए नहीं रहोगे पुश पुश करके तो आंखें मार लेना, वरना पता चला अंदर को पुश पुश बोल रहता थक गए कि पुश ही हो गई, मेरे को 2 दिन बाद उठाओ। अबे पागल 2 दिन में उठेगा, बच्चे को दूध कौन पिलाएगा। सो गाइस निदा डर के मारे सो गई है टेंशन में एकदम नर्वसनेस में, और रात के बज चुके हैं 2:45, अभी देखते हैं सुबह में क्या होता है। अभी 5:30 बजे डॉक्टर आएंगे चेक करने के लिए, मेबी शायद उसको आईवी लगाने आएंगे या कुछ और चेक करने आएंगे, तब तो मैं भी थोड़ा सो जाता हूँ, 1/2 घंटे में उठता हूँ, 2 घंटे में उठता हूँ, सॉरी 1/2 घंटे में, 1/2 घंटा और कम हो गया। सो गाइस बज चुके हैं 7 और यहाँ पर ये भूतनाथ देखो क्या कर रही है। निदा क्या कर रहे हो, तुम्हारी डिलीवरी है 1/2 घंटे में और तुम यहाँ पे बैठ गए। पैम्पर को बेटा तुमको पिलाने का मौका मिलेगा अभी, हाँ पैम्पर करो मत, तुमको पैम्पर पिलाने का मौका मिल जाएगा, बोलने दो ना। हाँ बोलो क्या कर रही हूँ, बिकॉज पता नहीं डिलीवरी के टाइम पे या डिलीवरी के बाद मेरी क्या हालत रहेगी, कोई मुझे देखेगा भी कि नहीं देखेगा, क्यों नहीं देखेगा कोई, मतलब मेरे फेस को, तुम्हारी सोच ऐसी क्यों नहीं देखेगा, कोई देखेगा कि नहीं, सोच की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे मैं अपने आप को कैसे रखती हूँ, थोड़ा फेस वॉश कर ली, फेस क्लीन कर ली, फिर उसके बाद रिंग में रहूंगी या किसी में भी रहूंगी, घेर में रहूंगी, कुछ भी हो सकता है, तो मैं चाह रही हूँ इससे पहले मैं अपने आप को प्रिपेयर करूँ, यू नो अच्छी लगू थोड़ी, फिर जब मेरा बेबी आएगा तो देख के बोला जी अरे मम्मी टूट है तुम्हारी बड़ा, मतलब ऐसी अगर मुंह लेके चले गए बासी बासी तो मेरे अच्छी मम्मी तो मेंटेन ही नहीं करते, तो बच्चा सीख नहीं पाएगा ना मुझसे। गाइस मेरे को नींद क्यों नहीं आ रही यार, तुम भी मैं बोलती हूँ उठो नहा लो, अरे नहा लो क्या, जब बच्चा आएगा तो उसको लगना चाहिए खुशबू आ रही है, निदा वो डैडी के हाथ में हो, जब वो पेट में था ना निदा तब तुमने मेरे को याद है बोले थे कि बेबी को बात करो बेबी तुमको पहचानेगा, तो बेबी मेरे को पहचान लिया, बात किया मैंने तो ठीक है, तो अभी जरूरत नहीं है खुशबू सूंघने की, मैं बात सूंघने की ठीक है कोई बात नहीं, इसको पागल खाना है क्या, देखो अपने आप को इसको एडमिट करना है।
सो गाइस फाइनली मम्मी इज हियर। मम्मी बोले थे मैं 7 बजे आऊंगी नाश्ता लेके, आ रहे 7:30 बजे। भूख की वजह से मेरी हालत खराब हो गई थी, 6:30 बजे उतर गई। तुमको याद है मैं तो चाय नहीं पी, तुम वापस चली। तो तुम 1 घंटे से चाय पी रही थी क्या? 1 घंटा चाय पकाई, नीचे लिफ्ट में रोक आई नहीं, लिफ्ट 15 मिनट से खड़ी हुई। हाँ ऊपर ही अटकी, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे करी, नीचे। सो गाइस मम्मी ने लाया यहाँ पर अंडा और पापड़। रोटी है, अरे रोटी को गर्म करके रख दी ना तो कड़क हो गई। पापड़ के मापा की रोटी। तो गाइस फाइनली वो वक्त आ चुका है, बस आधा घंटा बचा हुआ है और निदा की मम्मी भी यहाँ पर आ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम। और अंकल बाहर बैठे हैं, निदा भी यहाँ पर रेडी होके बैठी है नहा धो के एकदम, और हाथ पे निदा के लगाए हैं बैच। कभी निदा तो। कभी निदा घूम गई तो बोले ढूंढने काम आएगा। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, शाम आती है। तो गाइस निदा का वक्त आ रहा है जाने का लेबर वार्ड में। तो निदा हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? आई एम फीलिंग कॉन्शियस, numbed एंड नर्वस। एंजॉयिंग, यस यस, बी एंजॉयबल एंड गाइस ऐसे टाइम पे इंग्लिश नहीं आ रही मतलब, बट ऐसे टाइम पे गाइस लड़की को हंसते रहना चाहिए क्योंकि बेबी अंदर खुश रहेगा, बेबी अंदर खुश रहेगा तो खुशी खुशी बाहर आएगा। बेबी को बहुत भूख लग रही है, बट खाना मना किया तुमको ना, वही तो बोला था। समझ में नहीं आता तो बेबी बारेगा उसको पहले दूध पिलाएंगे। हाँ। माँ को क्यों नहीं, क्योंकि माँ जब 9 महीना सेक्रीफाइस करी तो और 9 घंटे यहाँ पे सब लोग बैठे इंतजार में की कब 9 बजेंगे और कब निदा जाएगी नीचे। फाइनली निदा का वक्त आ चुका है जाने के लिए। निदा बी ब्रेव, कोई बात नहीं, समझे भारी खड़ो, जैसे तुम आओगे वैसे तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा मैं, ठीक है? हाथ पकड़ के क्या बोलोगे? हाथ पकड़ दूंगा, हिम्मत दूंगा ना मैं पगली। बस भूख लग रही है। कोई बात नहीं, अभी तुम अंदर जाओगे फिर खाएंगे बेटा कीमा के साथ। मत बोलो यार, जिंदा रहे जिंदा का आ गया है व्हील चेयर। चल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जिंदा बिस्मिल्लाह बोलते हो, चलो और दरूद शरीफ पढ़ते रहो, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहो, ठीक है? और डरना नहीं बिल्कुल भी, चप्पल दो, चलो चप्पल की जरूरत नहीं है, नंगे पैर ही आए थे, नंगे पैर ही जाएंगे और बच्चा भी नंगे पैर ही आएगा। निदा तुम भी नंगे पैर जाओ, बच्चा भी नंगे पैर बाहर आएगा तो उसको फील होना चाहिए हाँ मेरी माँ मेरे साथ है। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जाओ दुआ पढ़ते रहे बिंदास, एकदम हिम्मत, पता है ना, एकदम हिम्मत। अरे वाह, चल के जाएगी, व्हील चेयर पे नहीं जाएगी। निदा निदा चली गई अंदर और बहुत हम लोगों की जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, मतलब निदा के सामने हम लोग नहीं दिखा रहे थे कि हम लोग को भी थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि निदा अंदर क्या फील करेगी। तो गाइस कुछ समझ में नहीं आ रहा है कब आएगी बाहर, हो कब नहीं आएगी, मतलब सब अलहमदिल्ला अच्छे से हो जाए, मतलब मैं रोना नहीं चाहता। नीचे सब खड़े हालांकि व्लॉग देखेंगे ये वाला, बट फिर भी मैं नीचे नहीं व्लॉग बनाया, मुझे रोना आ रहा था बहुत कम, अभी मैं क्या बोलूँ, मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। तो गाइस यहाँ पर आंटी भी थोड़े इमोशनल हो गए और मम्मी को तो एक्सपीरियंस है कि मम्मी की दूसरी बेटी का यहाँ पर अभी होने वाला है। कोई बात नहीं आंटी, सब अच्छा हो जाएगा, बहुत हिम्मत वाली है, पहली बार रोई नहीं है वो, नसीब इतने अच्छे अपने बनना। गाइस वो इतनी डर जाती ना गाइस कि वो फटाक से रोना चालू करती, बट पहली बार ऐसा हुआ कि वो इतनी खुशी खुशी गई है क्योंकि उसको भी खुशी खुशी अपने बेबी को बाहर निकालना है। मतलब एक माँ अपने बेबी के लिए इतना सेक्रीफाइस करती है और मतलब इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता, एक माँ नहीं करेगी। तो बस गाइस बहुत एकदम ज़्यादा इंतज़ार है कि कब बाहर आएगी और कब हमें उसको देखने मिलेगा, बेबी को देखने मिलेगा। नहीं समझ मारो, कोई वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, मैं क्या बोलूं। मतलब एक इंसान की लाइफ में इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती कि जब उसकी वाइफ जो है वो लेबर में हो और आपका जो आपको पता है कि आपका जो वंश है वो बाहर आने वाला है या आने वाली है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड गाइस। तो गाइस आंटी बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए, तो उस दिन भी लास्ट टाइम भी दानिश को ऐसी बोले थे कि टाइम लगेगा, टाइम लगा करके बाहर आ गया था। चलती है तो गाइस हमारे जो गायनेक है वो अंदर जा चुके हैं, अब वेट है बच्चों के डॉक्टर का। जब बच्चों के डॉक्टर आएंगे तब मेरे ख्याल से वो लोग प्रोसीजर चालू करेंगे, क्योंकि गाइस जब बेबी बाहर आता है लेबर से बच्चे को डॉक्टर रहना जरूरी है, ऐसा मैंने सुना हूँ, अभी तक आगे का नहीं पता है, देखते हैं अभी के डॉक्टर कब आते हैं और कब प्रोसीजर चालू होता है। फाइनली बच्चों के डॉक्टर भी है जो आ चुके हैं, तो आंटी अंकल सब दम दिल थाम के बैठिए, दिल थाम के धक धक कभी भी कुछ भी गुड न्यूज आ सकती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। गाइस मतलब मेरे को तो अभी से मतलब शिवरिंग हो रही है, मतलब एक्साइटमेंट इतनी हो रही है, एक्साइटमेंट इतनी हो रही है, सबको एक्साइटमेंट हो रही है, सब कैसा खड़े देखो ना यहाँ पर।
क्या लग रहा है जैन लड़का होगा लड़की कुछ नहीं समझ में आ रहा है मुझे खाली इतना दिख रहा है कि बस बेबी मेरे हाथ में है पहला ये जो फीलिंग है ना मैं ये चाहता हूँ अपने हाथ में मेरी लाइफ का पहला बेबी जो मैं अपने हाथ से टच करूँ मैं कभी न्यू बॉर्न बेबी तो कभी टच ही नहीं किया हूँ मैं बट तेरे बेबी उठाया बट वो एक दो महीने बाद उठाया एक न्यू बॉर्न पेट से निकल गई मेरे हाथ में चाहे कोई भी हो लड़का लड़की उससे फर्क नहीं पड़ता बट इनका फील हो रहा है ना क्या होने वाला है क्या होने वाला है कुछ नहीं समझ पा रहा बस ऐसा है कि निदावर निदावर बेबी दोनों सही सलामत है यार मजा है बस चलो गाइस गेट गेट के बाहर ही खड़ा जैसे डॉक्टर आवे मैं बाहर निकल लूंगा यही से बेबी अंदर ले लो बाहर जीरा से मुंह अंदर बेबी को सेफ रखो बाद में साफ करके लेके आओ सही बात है सब लोग यहां वेट कर रहे अभी भी आया नहीं अभी तक आया नहीं क्या लग रहा है लड़का होगा लड़की कोई भी चलेगा अरे लव फील क्या हो रहा है क्या होने वाला है लड़कों को क्या फील हो रहा है क्या होगा लड़की तुमको लड़का होएगा तुम अंकल मेरे को 99.9% लड़का लग रहा है मेरे को भी ऐसा फील हो रहा है लड़का होगा बट कभी कभी बोल सकते लड़की भी हो सकती है मेरा तो अनोखा ही था हम लोग को उम्मीद थी लड़का होएगा बट चांस है लड़की हो गई फीलिंग तो लड़के वाली है ये बहुत सारे लोग भी बोल रहे थे बट अभी अल्लाह की मर्जी अल्लाह कुदरत कब बदल दे किसी को नहीं पता कभी अपने हाथ में कुछ नहीं होता सही आवाज आ रही है आ जाओ अंदर से नहीं रे रे की आवाज आती है ना सब खड़े हो गए बोले क्या नहीं है और वेट मत करो प्लीज जल्दी जल्दी लेके हमारे बेबी को तो गाइस होने वाला है रेडी स्टडी वो दिल थाम के बैठो आंटी बैठे बैठे उठ गए बोले हो गया आ जाओ प्लीज हमारे बेबी को लेके आना एक बोलता नहीं हुआ एक बोलता हो गया क्या है ये सीन दिल में धक धक हो रहा है आगे मम्मी इधर आगे देखने के लिए आंटी भी इधर आगे आ जाओ सब लोग इधर आ जाओ चालू ही रखती हूँ चलो साफ कर रहे बेबी को ये रोने जैसा हो गया रोना के इमोशनल हो गया मेरा भाई बाप बन गया है सबके आत्मा आंसू है आंटी के भी आत्मा आंसू हो गए ओ माय गॉड माशाल्लाह अरे वाह मुबारक अरे नो ठीक से पकड़ो पहले माशाल्लाह क्या हो गया रो रहा के सो गाइस फाइनली आप लोगों ने देखा कि मतलब मेरे इमोशंस ही कंट्रोल नहीं हो रहे थे मैं क्या बोलूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो ये एक तो खुशी की बात है और डॉक्टर ने बोले कि निदा भी नॉर्मल है बहुत अच्छी बात है खुशी की बात है बट गाइस एक सीन ऐसा है कि एक बैड न्यूज़ है मतलब एक सेफ्टी के लिए कि हो सकता है कि बेबी को NICU में रखना पड़े 2 घंटे बोले उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे 2 घंटे बाद आप लोगों को बताएंगे कि बेबी को NICU में रखना है कि नहीं रखना है बट गाइस खुशी की बात यह है कि बेबी सेफ एंड साउंड बाहर आ चुका है निदा भी सेफ एंड साउंड है तो आप सभी को मुबारक हो नियान के घर में बेबी आया है गाइस हमारी फैमिली में बेबी आया है गाइस मैं कैसे आप लोगों को बताऊं देखो अभी भी मेरे इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे गाइस तो बस अभी निदा का वेट करते हैं और उसकी हेल्थ देखते हैं उसकी हेल्थ कैसी क्योंकि माँ की हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि माँ अच्छी रहेगी तो बच्चा अच्छा रहेगा अगर माँ ही नहीं अच्छी रहेगी तो बच्चा कैसा अच्छा रहेगा क्योंकि माँ की खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है